नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक अभी पिछले कुछ दिनों से फोकस में है। इनफैक्ट के बजट के बाद से ही ये फोकस में है, ठीक है। उसमें से कुछ अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। उसमें से आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो देखते हैं इसमें कोई न्यूज है क्या। सी मूडी की रेटिंग आई है, इंडिया रिकवरी रिड्यूसेस रिस्क ऑफ प्लंग्स इन द बैंक्स असेट क्वालिटी। इसका मतलब क्या है, इंडिया की अगले एक साल में जो रिकवरी होने वाली है, इकोनॉमिक रिकवरी, जिसके चक्कर में जीडीपी इनका 11 से 12% रहने वाला है, वो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका जो एसेट क्वालिटी का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। मीन्स उनकी एसेट क्वालिटी बढ़ सकती है, उसमें से जो डाउनवर्ड ट्रेंड का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। सी ये डिटेल रिपोर्ट है मूडी की, ठीक है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं हल्का सा। सी इन्होंने बोला हुआ है कि साफ साफ बोला हुआ है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज द थर्सडे थ्रू कैपिटल शॉर्टफॉल फॉर स्टेट्स एंड बैंक विल रिमेन डिस्पाइट द लाइकली गवर्नमेंट इक्विटी इन्फ्यूजन, ठीक है। सर गवर्नमेंट क्या है कि इसमें पैसा भी डाल रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट पैसा डाल रही है जिससे इनका जो है, इनका जो कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो इनका सीटी रेशियो है, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। सो मोदी बोल रहा है कि एक्सपेक्ट से इकोनॉमी रिकवरी इन 2021 रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ ए शार्प डिटोरिएशन इन एसेट क्वालिटी, ठीक है। तो इनकी एसेट क्वालिटी में जो रिस्क है वो अगले एक साल के अंदर जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके कारण बहुत कम हो गई है। सो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वेल प्लेस्ड हैं और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक उनमें से एक है। सो डिफरेंट सी बात है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें पंजाब नेशनल बैंक को ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये इसके शेयर प्राइस पे इफेक्ट करेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे क्या है कि सी आज के डेट में ये ओपन हुआ 77 रुपए 78 रुपए 9 पैसे पे, नीचे गया फिर 70 रुपए 20 पैसे, फिर ऊपर 70 रुपए 84 पैसे, फिर हाई ये 79 रुपीज 25 पैसे का मारा है, ठीक है, और फिर 77 रुपीज 8 पैसे और ये 78 रुपए 45 पैसे। एक वीक का चार्ट देख लेते हैं। एक वीक के चार्ट में ये 84 रुपए से मंडे से सीधा नीचे गिरावट ही आ रही है, ठीक है। सो अभी 5-6 दिन का कंसोलिडेशन बहुत हुआ। अगले 15 तारीख को जो मंडे है उस दिन में भी ये अगर सी अगर 78 रुपए, ठीक है, यहाँ से अगर 84 रुपए, अभी कितना प्राइस है 78 रुपए, अगर ये 79-80 रुपए के आसपास मिलता है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा, तो सीधा ये 84-85-86 तक जा सकता है, ठीक है। सो मंडे को अगर ये थोड़ा सा 80 रुपए के आसपास मिलता है और देखिएगा बैंक निफ्टी हल्का फुल्का सपोर्ट करे, तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं 85-86-87 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। सो दोस्तों इसका थोड़ा फोरकास्ट देख लेते हैं क्या है कि एनालिस्ट इसको रेटिंग क्या दे रहे हैं। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगले एक साल तक की रेटिंग है 31 एनालिस्ट कवर किए हैं, जिसमें 52% इसको बोल रहे हैं कि यहाँ से बाई कर सकते हैं लगभग 15 लोग। फरवरी 2022 अगले एक साल तक का जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है, देख रहे हैं, आप विश्वास कर सकते हैं कि अगले एक साल तक का टारगेट प्राइस टिल फरवरी 2022 का 173 रुपए 2 पैसे है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप आंख मूंद के बाई कर सकते हैं डबल ट्रिपल रिटर्न देने के लिए, क्योंकि 11% की जीडीपी ग्रोथ होने वाली है और इन सब का फायदा बैंकों को होने वाला है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस पब्लिक सेक्टर बैंक है। सो डेफिनेटली वी कैन गो अहेड। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, धन्यवाद।